पीछे से कौन फोटो खींचता है। यार वो लड़का कहाँ गया, उसको भी है विरोध, पीछे जाओ लड़के को बताते, पीछे जाओ। प्रणाम नारायण जी, कैसे चल रहा है आपका? बहुत अच्छा सरकार। अभी हम लोगों को मतलब इधर चार महीने से एकदम फुर्सत ही नहीं है, काम ही काम है मेरे पास, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमसे जुड़ के काम कर रही हैं। कोरोना काल के समय में उस समय हम लोग काफी निराश थे कि कैसे काम करो, कैसे आगे मेरा काम चलेगा, लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद बनाकर मुझे ओटीओपी ने लोन दिया, उसके बाद हमको ई मार्केटिंग पूरी मतलब मीडिया से कर दिया और काफी काम दिया हमको, जिस कारण से आज हमारे पास काम ही काम है। टाइटन जैसी कंपनी भी मेरे से काम करा रही है, ओटीओपी ने लोन भी मुझे दिया। सब कमाल काशी का ही है जी महाराज जी। प्रधानमंत्री और मैं प्रधानमंत्री जी ने जो इस ट्रेड फेयर का थीम दिया है और इसी बात को लेके दिया है, वो लोकल। हम तो प्रधानमंत्री का बहुत 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 आभार प्रधानमंत्री जी का करते हैं, क्योंकि आज को जो हमारे यहाँ का कंपनी और ग्रोथ बना हुआ G7 की बैठक में ले जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति को भी, जिसके कारण से पूरे इंटरनेशनल मार्केटिंग हमारे पास एकदम जगह जगह से फोन आया, विदेशों से भी फोन आना शुरू हो गया। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अब लोकल प्रोडक्ट को भी ग्लोबल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है, उसमें तो आपका प्रोडक्ट तो अब ग्लोबल हो ही गया जी, इसलिए सब जुड़ेंगे आप जी। जी बहुत बहुत आभार, चलिए बधाई आपको, हमारे पूरे परिवार की और महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। भैया सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। मित्रों, इंडिया ट्रेड फेयर में आज यूपी डे है,
उत्तर प्रदेश के इस ट्रेड फेयर में स्टॉल का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया था, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने उस समय वोकल फॉर लोकल का एक स्लोगन दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसकी ब्रांडिंग की थी। उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत समृद्धशाली है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। हमारे पास 75 जनपद हैं और सभी 75 जनपदों के पास अपना कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए क्लस्टर वहां पर पहले से मौजूद हैं। तो इससे जुड़े हुए हस्तशिल्पी और कारीगर थे, वे सदियों से इस परंपरा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के अनुरूप प्रोत्साहन न मिलने, शासन प्रशासन का अपेक्षित सहयोग न मिलने और समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण उनमें एक हताशा थी, निराशा थी। वे लोग इस कार्य से मुंह मोड़ रहे थे, प्लान हो रहा था, उत्तर प्रदेश के विकास पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था। और इसीलिए हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वह विजन न केवल भारत के अंदर, बल्कि यह सौभाग्य है कि बाली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी G20 समिट में गए हैं और ये पूरे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि G20 का अगले एक वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। G20 समिट में दुनिया के जिन 20 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उन्हें भी वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही उत्पाद गिफ्ट स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही है हमारे प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। मैंने पहले कहा कि हमने पहले इसकी मैपिंग करवाई थी। मैपिंग कराने के बाद फिर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट को चिन्हित करके उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए और उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों ने शासन स्तर पर प्रोत्साहन दिया। कारीगरों और हस्तशिल्पियों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को चलाया।
ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक निश्चित मानदेय दिया गया, उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाए गए, एग्जीबिशंस में उन्हें लाने ले जाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया गया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। 2017-18 में उत्तर प्रदेश का जो कुल एक्सपोर्ट था वह 86,000 करोड़ रुपए का था, आज ये बढ़कर के 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है और इसमें अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसमें एमएसएमई के सबसे बड़े क्लस्टर के रूप में जितने हस्तशिल्पी कारीगर हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से उनके प्रोत्साहन के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, आज उसका परिणाम न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर इस कोरोना कालखंड में जब 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आया था तो उन सब का समायोजन भी हम लोगों ने, ज़्यादातर का समायोजन हम लोगों ने इसी प्रक्रिया के साथ जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अपने इस अभियान के साथ ही कर किया था। और आप देख रहे होंगे कि कोरोना कालखंड में सबसे बड़ी आबादी के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैली, मेरे लिए गौरव की बात भी है और प्रसन्नता का विषय भी है कि इस ट्रेड फेयर का जो थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से है वह भी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की इस थीम के साथ ये प्रारंभ हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश पेविलियन में अगर आप देखेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सभी 75 जनपदों के उत्पाद को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, वहाँ पर उससे जुड़े हुए कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनसे बातचीत की जा सकती है, उनके प्रोडक्ट को और उनकी परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। इस पूरे अभियान के प्रति और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हमारे स्थानीय उत्पाद को वैश्विक स्तर पर एक नई ब्रांड प्रदान करने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी।